नमस्कार मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय भयानक कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। विश्व के लगभग 151 देश कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अगर हम सावधानी और बचाव के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक वायरस का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं और सावधानी न बरतें। हमारे पड़ोसी राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। हमारी कोई भी छोटी सी गलती संक्रमण को हमारे राज्य में भी फैला सकती है। छत्तीसगढ़ की सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है, लेकिन इस वायरस के संक्रमण से बचाव आप सबके सहयोग और भागीदारी से ही हो सकता है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विदेश यात्रा से लौटकर आने वाले नागरिकों पर नज़र रख रही है। कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे सभी यात्रियों और उनके परिजनों को संक्रमण से बचाने के लिए 14 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रखने के लिए सर्वसुविधायुक्त क्वारंटीन केंद्र की व्यवस्था की गई है। मुझे यह जानकारी मिली है कि बचाव के इतने प्रचार प्रसार और अपील के बावजूद विदेशों से आए हुए कुछ यात्री बिना स्वास्थ्य केंद्र पर रिपोर्ट किए अपने घरों की ओर चले गए हैं। यह एक गंभीर लापरवाही है जो उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके परिजनों, पड़ोसियों और संपूर्ण राज्य के लोगों के लिए खतरा है। मेरा सभी से आग्रह है कि ऐसे लापरवाही न करें और स्थिति की गंभीरता को समझें। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, अगर उन्हें यह जानकारी मिलती है उनके परिवार में या आस पड़ोस में ऐसी कोई भी व्यक्ति जो पिछले 15 दिवस के भीतर विदेश यात्रा से लौटा है और उसने स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसकी जानकारी तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर दें, ताकि कोरोना के संचरण को रोकने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी से घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस संक्रमण की संभावना सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों में है जिन्होंने पिछले एक माह के भीतर कोरोना प्रभावित देश की यात्रा की हो और बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ के लक्षण हों। अंत में मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि इस वायरस से बचाव के लिए पूरा सहयोग करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी छत्तीसगढ़वासी इस रोग से बचाव के लिए खुद भी जागरूकता रखेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। धन्यवाद।